नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस मैच के हम बात करने जा रहे हैं वह इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में होने वाला सेकंड ओडीआई मैच जो कि विशाखापट्टनम में होगा। और पिच की बात करें तो पिच होने वाला है न्यूट्रल, यानी बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर टीमों के कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया मच मोर स्ट्रॉन्गर देन है वेस्ट इंडीज़ से। तो अपने जब प्लेयर सेलेक्ट करोगे अपनी टीम में, जब फैंटेसी लीग की टीम बनाओगे, तो इंडिया के मोस्टली प्लेयर लेने की कोशिश करना, और मोस्टली है बॉलर्स, इंडिया के बॉलर ज़्यादा लेने की कोशिश करें। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ पिछले मैच में सिर्फ इंडिया के 2 प्लेयर्स को आउट किया था और वेस्ट इंडीज़ के 8 बैट्समैन आउट हुए थे। तो इस बात का ध्यान रखना और इंडिया के ज़्यादा प्लेयर लेने की कोशिश करना। तो दोस्तों मैं टीम बता रहा हूँ हेड टू हेड और फिर स्मॉल लीग यानी 2-4 मेंबर्स के लिए। ग्रैंड लीग के लिए नहीं, ग्रैंड लीग का लगाना चाहे लगा सकते, मेरे स्मॉल लीग की टीम में थोड़ा चेंज कर देना, कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर जो प्लेयर बताऊँगा वीडियो के अंदर उसको चेंज करके आप ग्रैंड लीग में लगा सकते हैं। तो अगर बात करें दोनों टीम पर, तो इंडिया ने पिछले मैच में 3 पेसर्स के साथ खेली थी, क्योंकि उमेश यादव, समी और खलील अहमद। इस मैच में हो सकता है कि ये कुलदीप यादव को वापस लेके आए और जो पेसर्स हैं 2-3 में से 2 को खिलाएं और 1 को ये बेंच पे बिठा सकते हैं। कौन सा हो सकता है मैं आपको बता दूँ वीडियो के अंदर ही। और वेस्ट इंडीज़ की बात करें, इसकी बॉलिंग बहुत ही अगर बात करें ख़राब है, तो बॉलिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2 प्लेयर चेंज होने के चांसेस है वेस्ट इंडीज़ की टीम में, तो वीडियो के अंदर ही बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर विकेट कीपर की बात करें, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, साई होप और एम एस धोनी के साथ एक बार ऋषभ पंत, जो कि विकेट कीपिंग वैसे करेंगे नहीं क्योंकि MS धोनी करेंगे। तो साई होप की बात करें आपको तीसरे नंबर पे खेलते हुए दिखेंगे। अगर पिछले मैच की बात करें तो 32 रन बनाए थे। अगर MS धोनी की बात करें, MS धोनी की बैटिंग आने की अगर बात करें तो लेस देन 10% चांसेस है। और दोस्तों लेस देन 10%, क्योंकि इसके इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन पूरे फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मैच में धवन कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन वो भी फॉर्म में है, तो वो भी किसी न किसी मैच में वो चल सकते, क्या होता है इस मैच में चल जाए। तो इस बात का ध्यान रखना कि MS धोनी का आपको दिखा दे तो कितने % लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। 32% लोगों ने सिलेक्ट किया है। कारण आपको बता दें किन लोगों ने सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट किया है ग्रैंड लीग वालों ने, जो जो ग्रैंड लीग खेल रहे हैं उन्होंने MS धोनी को सिलेक्ट किया अपनी टीमों में, 1-2 टीमों में, लेकिन मोस्टली ने साई होप को ही सिलेक्ट किया है। हेड टू हेड या फिर स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन है साई होप। अब बात करते हैं दोस्तों बैटिंग डिपार्टमेंट की। तो बैटिंग में आप देखते हैं क्रेडिट इनके बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप, क्योंकि इंडिया के ये 3 हैं, 3 और 1 और अंबाई रेडो, बाकी इसके नीचे आने के कम चांसेस है कि बैटिंग उनकी आ सकती है। क्या मतलब बाय चांस आ जाए तो वो ग्रैंड लीग के लिए हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग की बात करें तो आप इन तीनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये दिखा दे तो विराट कोहली ने पिछले मैच में 70 मार, तो अभी 86% लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली रोहित शर्मा 152 रन बनाए थे, रोहित शर्मा ने 75% लोगों ने सिलेक्ट किया है। शिखर धवन को दिखा दे तो पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, 4 रन पे आउट हो गए थे, तभी इन्होंने उनको 53% लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है शिखर धवन को। लेकिन आप इनको कम नहीं आंक सकते, किसी मैच में चल सकते, इस मैच में क्या पता चल जाए तभी इन्होंने इनको सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे मैं सिमरन हेटमेयर को क्यों नहीं लिया, आप लेना चाहते डेफिनेटली लीजिए, आप डेफिनेटली सिमरन हेटमेयर, अंबाई रेडू को डेफिनेटली, इसके लोकेश राहुल को मत लेना, क्योंकि 12 मैच की जो स्क्वाड और इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इंडिया ने 2 मैच भी खेली थी, यानी फर्स्ट मैच हो चुका है, सेकंड मैच के लिए तो लोकेश राहुल नहीं खेलेंगे मैच, इनको लिया था आप इनको हटा दे। दिखा दे तो कितने % लोगों ने सिलेक्ट किया, 2.24% लोगों ने अभी भी इनको सिलेक्ट किया, जबकि ये खेलने वाले नहीं है। मनीष पांडे भी नहीं खेलेंगे दोस्तों, सुनील लैम्बर्स को पिछले मैच में नहीं खिलाया गया, तो इस मैच में थोड़ा चांसेस, इस मैच में इनको मौका मिल सकता है। सी हेमराज को मैंने सिलेक्ट किया है दोस्तों, इस मैच में आपको डेफिनेटली ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, किरण पोवल के साथ, जो कि मैंने किरण पोवल को भी लिया इस मैच में, पहले मैंने 51 रन बनाए थे इन्होंने, ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप सिमरन हेटमेयर को ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको 4th नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे सिमरन हेटमेयर 5th नंबर पे। पहले मैच में इन्होंने 106 रन बनाए थे, यानी 70 मारा था। दिखा दे तो कितने % लोगों ने इनको सिलेक्ट किया, 77% लोगों ने सिलेक्ट किया। तो जिन लोगों ने इनको सिलेक्ट किया हुआ है या फिर इन तीनों में से किसी एक को छोड़ा हुआ है, तो उन्होंने किसी एक बड़े प्लेयर को लिया है, तब इन्होंने इनमें से किसी एक को नहीं लिया, क्योंकि इनकी क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। तो सेफ टीम बनाने के लिए इन सब बड़े प्लेयर को नहीं ले सकते हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेडिट हो चुके हैं इनके। तो सुनील लैम्बर्स के बारे में बताया चांसेस है इनके मैच खेलने के, लेकिन मैं इनको लेके रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इनके बॉलिंग में थोड़ी चांसेस हो सकते हैं वेस्ट इंडीज़ की, जिससे मैं डेफिनेटली मैच खेलेंगे। मनीष पांडे मैच नहीं खेलेंगे, दिखा दे तो कितने % लोगों ने इनको सिलेक्ट किया, 1.151% लोगों ने सिलेक्ट किया। अब बात करें तो ऑलराउंडर डिपार्टमेंट बात करें, मैंने सिर्फ एक ही प्लेयर सिलेक्ट किया, वो भी रविंद्र जडेजा। और पिछले मैच की बात करें, रविंद्र ने 2 विकेट लिए, तो बैटिंग के लिए आप इनको मत लेना,
क्योंकि बैटिंग आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इनके अगर ऊपर की बात करें ऋषभ पंत है, एम एस धोनी है, राइडू है, तो बहुत कम चांसेस है रविंद्र जडेजा की बैटिंग आ सकती है। मैनुअल सैमुअल्स को लेना चाहते दोस्तों डेफिनेटली आप अपने टीम में ले सकते हैं। मैनुअल सैमुअल्स की बात करें तो ये सीनियर प्लेयर है, तो आप लेना चाहते हैं आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। लेकिन पिछले मैच की बात करें तो इन्होंने कुछ विकेट नहीं लिया था पिछले मैच, ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, चौथे नंबर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, और बॉलिंग ये पूरी नहीं कर पाए लेकिन कुछ ओवर्स कर लेंगे, विकेटिंग बॉलर नहीं है। तो इनमें पिछले मैच की बात करें ज़्यादा इकोनॉमी से इन्होंने रख दिया, तभी मैंने इनको नहीं लिया। जैसन ओडो को ले सकते हो, कैप्टन है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और इनकी अगर बैटिंग करें तो सातवें नंबर पर बैटिंग करने आए, पहले मैंने 38 रन बनाए थे लेकिन विकेट नहीं लिया था, तो इनके कम चांसेस है कि थोड़ा विकेटिंग थोड़ा कम है, तो मैंने नहीं लिया इनको। रोहन पोवल की बात करें तो बैटिंग आ जाती है इनकी, लेकिन अगर पिछले मैच की अगर बात करें पिछले मैच की, तो इन्होंने बॉलिंग ही नहीं की। तो आप अगर एज ए बैट्समैन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं रोहन पोवल को, इस मैच में खेलते हुए दिखा देंगे। और इनकी अगर बैटिंग पोजिशन की बात करें तो ये आपको सिक्स नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, और पिछले मैच में 22 रन इन्होंने बनाए थे। और फेमिनेलन की बात करें तो पिछले मैच में बहुत ज़्यादा इनके चांसेस थे कि खिलाएंगे लेंगे, इनको मौका नहीं मिला पिछले मैच में, तो इस मैच में थोड़ा चांसेस दे सकती है वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन अली मैम इनको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है वेस्ट इंडीज़ की टीम में, क्योंकि बॉलिंग इनकी इतनी खास नहीं रही। युजवेंद्र चहल की बात करें तो पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए थे। कुलदीप यादव की बात करें दोस्तों तो इनको पिछले मैच में बाहर बिठाया गया, तो इस मैच में वापस लेके आ सकते दिखा देते, तो 80% लोगों ने सेलेक्ट किया पिछले मैच में, तो इस मैच में ओनली 16% लोगों ने सेलेक्ट किया, तो आप लेना चाहते हैं इनको ले सकते हैं। ग्रैंडली में एक मैच में एक टीम में सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि क्या पता इंडिया सेम उसके साथ भी खेल सकती है, क्योंकि जो पिच है न्यूट्रल पिच है। और इनका अगर स्पिनर की बात करें, इन पर रविंद्र जडेजा भी बॉलिंग कर लेते हैं और राइडू भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो थोड़े कम चांसेस है कि थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं इंडिया की टीम में। उमेश यादव को आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मेरे को अगर बात करें अगर चेंज होता है तो उमेश यादव, खलील अहमद और मोहम्मद शमी में से तीनों में से किसी एक को यह बाहर बिठा सकते हैं। खलील अहमद की बात करें दोस्तों थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले मैच एक विकेट लिया था इन्होंने। मोहम्मद शमी की बात करें दोस्तों, इन्होंने पिछले मैच की बात करें तो इन्होंने भी एक विकेट लिया था, लेकिन अगर बात करें दोस्तों उमेश यादव की, तो पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको बाहर बिठा सकते हैं, तो कम चांसेस इनको बाहर बिठाने के। तो मैंने जो जो मेरे को लगता है कि हाँ ये खेलेंगे डेफिनेटली, तो मैंने उनको सेलेक्ट किया। आप लेना चाहते हैं उमेश यादव को सेलेक्ट कर सकते हैं। केमार रोज की बात करें दोस्तों, इनको अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो इनको लग रहा था कि खिलाएंगे, इनको खिलाया नहीं गया। पिछले मैच में भी लग रहा था इनको नहीं मौका मिलेगा, लेकिन इस पिछले मैच में मौका मिला इनको। दिखा दे कितने परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया, अभी 29% लोगों ने सेलेक्ट किया पहले मैंने, 26% लोगों ने सेलेक्ट। बहुत ही अच्छे बॉलर है और लीड करेंगे वेस्ट इंडीज़ के पेसर को। तो अगर पिछले मैच की बात करें दोस्तों तो इनका इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं रहा है केमार रोज का। अब लेना चाहते अब ले सकते हैं। इन्होंने बैटिंग अच्छी करी थी, 26 रन बनाए थे, लेकिन विकेट इन्होंने नहीं लिया था। देवेंद्र दिसोज की बात करें अच्छे बॉलर हैं, और पिछले मैच की बात करें उन्होंने एक विकेट भी लिया था और 22 रन भी बनाए, तो आप इनको डेफिनेटली ले सकते हैं अपने। अश्विन नर्स का इस मैच में थोड़ा मुश्किल है खेलना, क्योंकि अगर इनकी बात करें इनके यहाँ पर फेबिन एलिन जो कि मैंने आपको बताया, उनको मौका मिल सकता है, तो इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट नहीं किया। खलील अहमद को मैंने लिया, थोड़ा रिस्क लिया है खलील अहमद पर कि अगर खेले तो ठीक है, क्योंकि एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, दूसरे मैच में इंडिया नहीं बिठा पाया, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें इतने अच्छे प्लेयर नहीं है। किमोपोल को पिछले मैच में बैट बिठाया, तो इस मैच में क्या पता इस मैच में मौका मिल सकता है किमोपोल को। आपको दिखा देता हूं कितने परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया, ओनली 4% लोगों ने सेलेक्ट किया। इनको लेना था तब ले सकते हैं, इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लीग की टीम में आप इनको ले सकते हैं। ओबेड मैको का थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इनको अगर बात करें तो इंजर होते अलजाई जो सब उनकी जगह पे इनको खिलाया गया था, तो इस मैच में थोड़ा मुश्किल है। आखिरी मैच में इनको मौका मिलता, आप लेना चाहते हैं तो एज ए रिस्क की प्लेयर आप अपनी टीम ले सकते हैं। ओशन थॉमस का थोड़ा कम है चांसेस कि इस मैच में खेलते, पहले मैच खेले एक विकेट लिया था, तो अगर इनकी नहीं मिला इनको चांसेस तो किमोपोर्ट को इनकी जगह पर मौका मिल सकता है ओशन थॉमस को। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इनको ले सकते हैं इन पे या किमोपोल पे। तो ये हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए मैं बना रहा हूँ, तो सेफ टीम बना रहा हूँ, तो मैंने जो प्लेयर लिए जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस है खेलने के, मेरे को थोड़ा इस पे लग रहा है डाउट सी हेमराज के, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में इनको मौका मिलेगा। सुनील एम्ब्रिस की बात करें तो सुनील एम्ब्रिस और सी हेमराज में थोड़ा डाउट था कि पहले मैच में किसको खिलाया गया था, लेकिन पहले मैच में सी हेमराज को मौका मिला था, तो इस मैच थोड़ा कम है कि चांसेस है कि एक मैच में इनको थोड़ा जज करके इनको बाहर बिठा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इन पर रिस्क लिया है। क्या पता ना खिलाए, लेकिन मैंने रिस्क लिया है इन पर। दिखा दे तो कितने परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया, ओनली 16% लोगों ने इनको सेलेक्ट किया, तो रिस्क लिया है मैंने, क्या पता चल जाए, क्योंकि ओपनिंग करते हो आपको दिखा देंगे। अब बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मैंने कैप्टन सेलेक्ट किया रोहित शर्मा को, वाइस कैप्टन सेलेक्ट किया मैंने विराट कोहली को।
इसके अलावा अगर अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन शिखर धवन यानी, या फिर शिखर धवन को कैप्टन, रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन, ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर शिखर धवन को कैप्टन, रोहित शर्मा को विराट कोहली को वाइस कैप्टन, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब शिखर धवन को बहुत कम लोगों ने लिया, अगर बात करें तो 52 के आसपास लोगों ने सिलेक्ट किया शिखर धवन को, तो ये पहले मैच को देखकर। लेकिन अब एक मैच पे जज नहीं कर सकते इन प्लेयर को, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो आप लेना चाहते हैं कि अपने वाइस कैप्टन जरूर बनाए अपने ग्रैंड लीग में। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों रविंद्र जडेजा आप बना सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, आप डेफिनेटली इनको सिलेक्ट कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैचेस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच।